एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फिर से रिव्यू वीडियो है। इसमें मैं गुड वाइब्स की रोज़ एंड मलबरी जेल का रिव्यू और साथ में डेमो भी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर गुड वाइब्स की रोज़ एंड मलबरी जेल है। ये 10 ग्राम की पैकेजिंग है, मेरे पास ट्रेवल साइज पैकेजिंग है। इसमें पैराबिन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है ये। इस जेल को आप मल्टीपल वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी अपनी स्किन पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, हेयर्स में लगा सकते हैं, और इसको एज अ फेस पैक इस और सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिक्स करके इसको आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें प्यूरिफाइड वाटर है, ग्लिसरीन है, रोज़ एक्सट्रैक्ट है, इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट है, कैस्टर ऑयल है, इसमें ऑलिव ऑयल है, और इसके साथ और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हुए हैं। और 2 ईयर आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है, और 40 रुपीज़ इसका प्राइस यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये जो जेल है मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि मेरी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है, ऑयली रहती है समर्स के मौसम में, तो इसको लगाने के बाद बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं आती है, आपके फेस को बिल्कुल मॉइस्चराइज कर देती है और ग्लो करने लगता है फेस। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और मेकअप से पहले भी इसको लगा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये जेल। तो एक ट्रैवल फ्रेंडली है, इसको आप ट्रैवल में इजीली कैरी करके लेकर जा सकते हैं। छोटी सी पैकेजिंग है इसकी, मैं इसको इसकी बड़ी पैकेजिंग भी लेना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसको थोड़ा सा खोल के आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये कुछ हल्के से पिंक कलर की जेल है ये, और इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, जैसे रोज़ और मलबरी, हल्की हल्की सी माइल्ड स्मेल आती है इसकी। और जैसे ही इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है, और आपकी स्किन जो है बिल्कुल स्टिकी सी नहीं लगती है, एकदम से ग्लो करने लगती है और सॉफ्ट सी हो जाती है। मुझे ये जेल बहुत अच्छी लगी। तो अब इसको आप कई तरीक़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले फेस को क्लीन कर लीजिए, और एज अ मॉइस्चराइज़र अकेले ही इसको लगा सकते हैं, और अगर मेकअप से पहले यूज़ करना चाहते हैं तो भी अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। इसकी स्मेल मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसको लगाने के बाद आपका फेस एकदम से मॉइस्चराइज तो होता ही है, साथ में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, कोई भी स्टिकीनेस नहीं होती है। समर्स के मौसम के लिए मुझे ये बहुत अच्छी जेल लगी। तो इसको आप मैंने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बालों में लगाया तो इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, जैसे कि समर्स का मौसम होता है, पसीने के साथ बालों में से स्मेल सी आने लगती है, तो इसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस बन जाती है बालों में, और बाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट शाइनी लगते हैं। इसको आप एज अ मॉइस्चराइज़र तो फेस पैक में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।